हम लोग आए अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ चालू बोल रहे, हेलो। थोड़ी सी धूप हो रही है, देखिए बैक साइड में आपको अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है। चलिए अंदर चलते, अंदर तो फोन जमा हो जाता है, जहाँ तक आपको शूट कर पाऊंगी वहाँ तक शूट करूँगी। हम लोग चल रहे हैं, फोन वगैरह जमा कराएंगे अंदर। फुव्वारा वगैरह भी है, बहुत अच्छा है। रियांश मेट्रो को बोल रहा है ट्रेन। बाय ट्रेन। इलेक्ट्रॉनिक सामान और आदि ले जाना कठिन सामान में जमा कराने के लिए मार्ग नंबर 2 की कतार का उपयोग करें। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। यहाँ से मोबाइल कैमरा बैग इलेक्ट्रॉनिक सामान और ये अच्छा धाम मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। स्वामी नारायण जी का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। ये देखिए लाइन वगैरह लगी है, यहाँ पे सारा जमा होता है सामान, मोबाइल फोन आपका बेल्ट और फोन वगैरह जमा करना है। यहाँ पे एक पर्ची बनवाते हैं, देखिए इसको फिल करना होता है, जितने मेंबर्स आए हुए हैं ना अपना फिल करो और मोबाइल नंबर और जो जो चीज़ जमा करना होता है ना, पर्स मोबाइल सारा यहाँ पे जमा हो जाता है। और ज्वेलरी वगैरह जो भी है, ज्वेलरी शायद नहीं जमा होती, अगर आपने रख रखी पर्स में तो वो जमा हो जाता है, लेदर का बेल्ट वगैरह। ये लाइन लगी हुई है, मतलब सारा सामान जमा करवाने में एक घंटा तो लग जाता है, काफ़ी भीड़ थी। और संडे के दिन तो मोस्टली बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो हम लोग संडे को गए थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, जहाँ पे ये बास्केट दे रहे हैं, एक बास्केट देंगे, इसमें जो भी आपको सामान रखना है वो आप सामान अपना वो पर्ची के साथ अपना सामान रख दीजिए, फिर एक आपको टोकन मिल जाता है, जब आप लाते हैं तो फिर आपको टोकन देना होता है। तो ये देखिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई, काउंटर है 5 नंबर 6 नंबर और 4 3, मतलब इतने सारे काउंटर बना रखे तब इतनी भीड़ है। मोस्टली देखिए संडे को भीड़ होती ही है, तो वही है, संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख रहे हैं। और बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, अगर आप आते हैं तो घूमिएगा, बहुत अच्छा है। अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, तो बस जितना हमसे हो सका उतना। और अब हम लोग निकल चुके हैं, पूरा शो वगैरह देख के आपको बताऊंगी इसका क्या चार्जेस वगैरह थे। बहुत अच्छा है अंदर, आप लोग ज़रूर आइएगा अंदर, बहुत अच्छा लगता है अंदर, जो भी टिकट वगैरह है वो सब बहुत ही अच्छा है। मतलब हम लोगों ने फ़ोटो बनवाई है, दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई है वहाँ पे, अंदर फोटोग्राफी भी होती है। ये फ़ोटो फ्रेम 190 रुपये का है सर ना, 190 का पड़ा है, 190 का ही है, इससे बड़ा 210 का है। फ्रेम में फ़ोटो बना के दे रहे हैं, अगर आप फ़ोटो फ्रेम नहीं बनवाते हैं तो 140 का है। इवनिंग में बहुत भीड़ होती है, और फाउंटेन वाली जो मूवी दिखाते हैं वो बहुत अच्छी है, उसका शायद 90 रुपीज़ टिकट है। पूरे टिकट वगैरह कितने का, 1% का पड़ा है 340, 1% का 340 रुपीज़ पड़ा है। और रियांश का भी पड़ा है, मतलब 4 ईयर्स का बच्चा, हाँ 4 ईयर्स से बच्चा, मतलब अगर अवर होगा ना तो उसका पड़ेगा पूरा टिकट पड़ेगा, हाफ नहीं पड़ेगा। नाइट का नज़ारा है, सीन है। रियांश थक चुके हैं, क्या कर रहे हो रियांश? नाइट में बहुत अच्छा लगता है, देख सकते हैं।
ये अक्षरधाम मंदिर है, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन भी है, कोई भी कहीं से जा सकता है, मेट्रो यहाँ तक आती है। और बहुत सुंदर लगता है, स्वामी नारायण जी का मंदिर है। मंदिर में जाने का कोई भी चार्जेस नहीं। वहाँ के जो फोटोग्राफ, जो अंगर प्रदर्शनी वगैरह है, जैसे कि जो पूरा दिखाते हैं कैसे मंदिर बना, कैसे भगवान नीलकंठ जो महाराज यानी स्वामी नारायण कैसे बने, पूरी स्टोरी है। बहुत मतलब स्टोरी तो है ही, वहाँ पे छोटे छोटे पुतले हैं, वो लगता है आपको रियल में बात कर रहे हैं, इतना अच्छा है। अच्छा गाना था वो, बच्चे भी होते। चलो चलते। देखो रियांश को मस्ती। ठीक है, ये देख सकते हैं मेट्रो जा रही है, सामने मेट्रो। रियांश को मेट्रो को लगता है ट्रेन है, तो वही रियांश कह रहा है मम्मी ट्रेन में चलो। घर जा रहे हैं और ये एग्जिट है, और जो पार्किंग है, कार पार्किंग है 50 रुपीज़, और नॉर्मली जो पार्किंग है बाइक या स्कूटी की वो 30 रुपीज़ है। जो यहाँ पे पेंटिंग बनी हुई, मैंने इसके लिए वीडियो बनाया, मुझे ये पेंटिंग ये बहुत सुंदर लग रही थी फ्रेंड्स। ये पूरा हैंड पेंटिंग है, कोई स्टिकर्स वगैरह नहीं लगे। मतलब जो दिल्ली में जो जो फेमस प्लेसेस है ना, पूरा उसकी बना रखी, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा था रियल में, आपको मैं बता नहीं सकती। अब हम लोग निकल रहे हैं पार्किंग की तरफ, चल रहे हैं, आप जा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर से बाहर तो निकल रहे हैं, पार्किंग से ही निकल रहे हैं, चल रहे हैं। मतलब काफी बड़ा है, तो बड़ा मंदिर है, मतलब बहुत एकदम मंदिर में आने के बाद इतना सब मैंने कहा चलिए एकदम अच्छा लगता है, बता देती हूं। और रियांश भी बहुत ज्यादा खुश थे, तो हम लोग अब चल रहे हैं घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ भर भर के लाइक दीजिए, कमेंट करिएगा। आपका जो एक कमेंट और एक लाइक एंड एक शेयर होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। आपके एक शेयर एंड एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिव मिलता है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, कोरोना से बचे रहिए, और अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।